तो हिंदुओं का शेर आ रहा है, वो भी नारा हम लोग लगाया करते थे। लेकिन आप अपने चुनावी वादे को पूरा कर दीजिए महाराज जी, इन अनाथ बच्चों का घर बसा दीजिए महाराज जी, महाराज जी बचा दीजिए। आज जो हमारे भाई मर रहे हैं, हमारी बहनें मर रही हैं, बड़ी पीड़ा है। कितनी पीड़ा है कि महाराज जी थोड़ा एक बार आप जिसके जिस शिक्षा मित्र का भाई, जिसका बेटा, जिसकी बहू, जिसकी लड़की मरी है, महाराज जी थोड़ा एक बार भी उसके घर अपने अधिकारी, अपने जज पत्नी को भेज के देखिए कि उसके घर की स्थिति क्या है। महाराज जी आपका तो हृदय सम्राट है, आप आप पे तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा विश्वास किया था कि महाराज जी आएंगे, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होगा। क्या महाराज जी ये शिक्षा मित्र कोर्ट ने तो अपना जो काम किया किया। कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, सम्मान इसलिए करता हूँ कि मेरी हस्ती नहीं है कि मैं न्याय व्यवस्था को चैलेंज कर दूं। हो सकता है कहीं से टूटी फूटी गलती हुई होगी, कुछ गलतियां हुई होंगी, इतने बड़े हम लोग ज्ञानी नहीं है महाराज जी कि उस बात को हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि गलती मेरी नहीं थी, हमने तो भीख मांगा था, पूर्व सरकार से भी भीख मांगा था, आपसे भी भीख मांग रहे हैं महाराज जी। दया कर दीजिए महाराज जी, हम लोगों की झोली भर दीजिए और कुछ मत करिए महाराज जी, तो इन मौतों को रोक दीजिए महाराज जी। मुझे बहुत पीड़ा है, नेट खोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, फला शिक्षा मित्र, कोई ऐसा दिन नहीं है कि एक दो हमारे भाई या बहन नहीं मर रहे। कैसे मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, ये हर लोग जानते हैं। अच्छा भैया, हमने आपके इस नोट को रोक लीजिए, ज्ञापन की कॉपी डाल दिया है, ज्यादा कुछ कहते न कहते हुए इस पूरे टीम को, बहन उमा जी को आज मैं इतना कह दे रहा हूं कि बहन जब जब जरूरत होगी, संगठन और नाम तो नहीं, आम शिक्षा मित्र की जब जब लड़ाई होगी, यह आदमी आकर 24 घंटा जब तक की लड़ाई चलेगी सर जमीन पर जमा रहे, भगेंगे नहीं, गोलियां खाएंगे, लाठी खाएंगे। अरे भाई खाएंगे तो अपने हक के लिए खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो मिलेगा कैसे। लेकिन उमा बहन बता रहे, हमने फोन किया था लेकिन उठा नहीं कहीं से भी। अच्छा, आपका जो हौसला है, हमने फोन किया, आपके अंदर जो जज्बा है, आपके अंदर जो मां सोचती की बाड़ी है, आप ये मत समझिएगा। आपकी बाड़ी को सुनकर शिक्षा मित्र बहुत ही समय अपने को भागशाली समझ रहे हैं कि कम से कम कोई नारी शक्ति की आवाज तो आज 1,72,000 के लिए निकल रही है। बहन आप इस लड़ाई को लड़िए, लड़ती हूँ भैया, आप लोग हौसला दिए रहे और हौसला आपको मिलेगी, संख्या बल भी आपको मिलेगी, घबराइए मत। आप जिस मुकाम पे चल रही हैं, माता रानी की कृपा होगी, भोलेनाथ की कृपा होगी, तो आपकी ये कामयाबी जरूर एक नए रंग ले आएगी। बिल्कुल, इसलिए कि जो आपका मांग